मध्य प्रदेश के आस्था क्षेत्र में गेल इंडिया द्वारा प्रस्तावित एथेन क्रेकर पेट्रोकेमिकल प्लांट के खिलाफ स्थानीय किसानों ने व्यापक विरोध शुरू कर दिया है। गुरुवार को सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली और सरकार से प्लांट को वापस लेने की मांग की। विरोध प्रदर्शन के तहत किसान अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगे सरकार के सामने रखी। गेल इंडिया वापस जाओ संघर्ष समिति के सदस्य हरपाल ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से दो प्रमुख मांगे रखी गई। पहली मांग है कि किसान किसी भी हालत में अपनी निजी या सरकारी भूमि पर यह प्लांट नहीं लगने देंगे। दूसरी मांग है कि इस प्लांट से क्षेत्र के पर्यावरण और स्वास्थ्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। किसानों का कहना है कि एथेन क्रेकर प्लांट से पर्यावरणीय असंतुलन, भूमि और जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होगी, जिससे पूरे क्षेत्र के जनजीवन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। उनका मानना है कि इस प्लांट से कैंसर, फेफड़ों की बीमारी और मानसिक स्थिरता जैसी गंभीर समस्याएं फैल सकती हैं। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को भी इसका गंभीर असर हो सकता है। किसानों ने स्पष्ट किया कि किसी भी हालत में वे अपनी जमीन नहीं देंगे और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत अब तक 75% किसान सहमत नहीं होंगे, तब तक भूमि अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। किसानों का कहना है कि वे अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन यह प्लांट नहीं लगने देंगे। विधायक गोपाल सिंह, इंजीनियर और सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी जैसे बीजेपी जन प्रतिनिधियों पर किसानों ने आरोप लगाया है कि वे किसानों के साथ खड़े नहीं हैं और उन्हें राजनीतिक समर्थन नहीं मिल रहा है। किसानों ने जन प्रतिनिधियों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किसानों का समर्थन करने की मांग की। कांग्रेस नेता हरपाल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेताओं ने क्षेत्र का दौरा किया और किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से सुना। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्लांट को नहीं लगाने की अपील की है। किसानों का यह आंदोलन क्षेत्र में बड़े स्तर पर फैल चुका है और वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह प्लांट न केवल उनके कृषि जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र और स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा बन सकता है।